Silent features of the Constitution of India, which is one of the most important part, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भाग है हमारी इंडियन पॉलिटी की. तो इंडियन पॉलिटी में हम जो इम्पोर्टेंट पोर्शंस में जाता है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो फीचर्स है सारे चीज़ यहाँ पर आ जाती है. क्या क्या हो जाते हैं, कौन सी सोर्सेस में कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन की हमारा फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कितने आर्टिकल हैं, क्या क्या हुआ था, सब्जेक्ट मैटर क्या है, सारी चीज़ हम यहाँ पर जानेंगे. फंडामेंटल राइट्स कहो, DPSP कहो, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कहो, वेरी बीट बीट हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. तो आइए दोस्तों, हम ये वीडियो शुरू करते हैं. सारे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आशा करती हूँ कि मैं आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट ला सकती हूँ, ये सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकती हूँ, वो मेरा लक्ष्य है. तो अगर आप मेरा चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना. थैंक यू गाइस, लेट अस बिगिन द सेशन. ओके, ये हमारा जो सोर्स है, मैंने आपको पहले से भी कहा था कि एम लक्ष्मीकांत में है, NCERT बुक में है, NIOS में है, और बहुत कुछ जो कि PG लेवल या ग्रेजुएशन लेवल का बुक में है. ये एक फ़ोटो है जो कि एक्सप्रेस रिसर्च एक फ़ोटो है. बहुत इसीलिए मैंने इसको डाला कि सुबह मैंने आपको क्लास करी थी ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बताई थी, जो कि हाउ टू मेकिंग अप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, कैसे बना, कब बना, इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या, ये वीडियो लिंक मैं दे दूंगी आपको, आई बटन में आपको मिल जाएंगे, देख लेना वो वीडियो, बहुत इम्पोर्टेंट है. ये है हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स, ठीक है. जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे हमारा 7 लोग, वो यहाँ पर है मौजूद. ये तो हमारे BR अम्बेडकर जी, इनको सब कुछ सबको तो पता है ये चीज़, ठीक है. ये फोटो आपको ले जैसे एक फोन मैटर के लिए मैंने डाली थी, ठीक है. तो पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो है हमारे लेंथीएस्ट रिटिंग कॉन्स्टिट्यूशन. दोनों पार्ट में इंडियन सॉरी वर्ल्ड के जो जितने भी कंटिनेंट्स है उनका जो कंट्रीज है, एक कुछ कंट्री में रिटिन होता है, ठीक है, कुछ कंट्री में ऑन रिटिन होता है, ऑन रिटिन किस में है, ऑन रिटिन UK में है, किस में है रिटिन, US में है, ठीक है. तो इंडिया में भी हमारा रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसका पहला जो फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है या लक्षण है या इसका सब्जेक्ट मैटर है या इसके गुण है, हम कह सकते हैं इनका क्या गुण है, तो ये लेंथीएस्ट रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स है, कितना पार्ट्स में इनको डिवाइडेड किया है, कितना स्केड्यूल्स है इन, बहुत ज़्यादा. तो इसीलिए इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट या लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहला जाता है, ठीक है. ये समझ में आ गया आपको, ओके. हम देखेंगे आर्टिकल. यहाँ पर आप लोगों को आप देख सकते हो कि दो नंबर से, एक है 395 और एक है 465. ये हमारा एम लक्ष्मीकांत के अनुसार 2016 तक का ये अपडेट है, उसके बाद अगर कोई है चेंजेस आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक से. तो पहला जो बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितना आर्टिकल थे वो बताइए. तो ओरिजिनल में हमारे कितने थे, 395, जो कि एक स्टैटिक जीके है आपकी, स्टैटिक अवेयरनेस है ये आपकी 395, ये तो चेंज नहीं होने वाला है. बट ये जो 465 है, ये चेंज हो सकती है, देर इज मेनी पॉसिबिलिटी, क्योंकि बहुत लॉज आता है कि हम चेंज करती है, न्यू पॉलिसी लाती है कि हम पॉलिसी के दौरान इसको हम चेंज करते. 465 कभी भी 500 हो सकती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, इट इज़ डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड नीड ऑफ द कंट्री, कि हम किस तरह कौन से नया नया सिचुएशन आ जाए, कोई पॉलिसी करे उसके लिए कोई आर्टिकल चाहिए, इसलिए ये हो. तो ओरिजिनल में हमारे कितने, 395, और अभी 2016 के अनुसार जो एम लक्ष्मीकांत में है डाटा, 465 है, ठीक है. उसके बाद पार्ट्स, ओरिजिनल में हमारा था 22,
जो ब्रैकेट में है वो अभी अपडेट है, ठीक है, अभी अपडेट है। ये पार्ट्स तो अभी सेम है, 25 है, ये चेंज नहीं हुआ है, पार्ट्स अभी 25 है। ओके, ओरिजिनल में हमारे 22 पार्ट्स थे, जो कि भाग विभाग कहते हैं, हमें यूनिट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सीडल्स देखेंगे, कितने सीडल थे, 8 सीडल थे हमारे ओरिजिनल में, 12 अभी है, अभी भी 12 है, ठीक है। सीडल इम्पोर्टेंस है आपकी, आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि कौन से आर्टिकल, विच आर्टिकल में, कौन से आर्टिकल में क्या है, ठीक है। अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में है, ये हम फंडामेंटल्स राइट में देखेंगे, ठीक है। तो इस आर्टिकल को हमको तो 465 आर्टिकल याद नहीं रहेंगे, कैसे याद करें, हाउ हाउ यू रिमेम्बर, ट्रिक है, क्या ट्रिक है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल कौन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल कौन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आर्टिकल को क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आर्टिकल क्या है, वो हम डिविजन कर देंगे। उस आप बिल्कुल उस चीज़ का वरिस मत होना, मैं आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्या है, जो बार 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 डिमांड में रहते हैं सारी कम्पिटेटिव एग्जाम की, जो कि डिमांड में रहते हैं, एक हमको जानना ही चाहिए, हु इज मैंडेटोरी टू नो, ओके, वो आर्टिकल। तो 395 आर्टिकल में हमको 100 के आसपास आर्टिकल याद रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है, कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा आर्टिकल, पार्ट्स हो गया, सीडल्स हो गया। आशा करती हूँ इतना तो आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो इस पार्ट में आप कमेंट करो, मैं आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। सेकेंड जाएंगे हम, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ये तो आपको पता है, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम एक दो बार जिन्होंने दिया है उनको पता है कि जो वेरियस सोर्सेस होता है यहाँ पर, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से कैसे क्या क्या आया है, वो इम्पोर्टेंट किस लिए हमारे क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। पहला तो हमारा आप यहाँ पर देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आपको पता है ब्रिटिश इंडिया जब थी, हमारा ब्रिटिश इंडिया थी, तब क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ जीओआई एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने पास किया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी। ओके, 1935 में क्या क्या हुआ था आपको वो पता है, अगर नहीं आप वीडियो देख सकते हो, पिछला जो वीडियो है मेरा। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ 1935 में जो हुआ था, उनमें से हम कौन सी चीज़ को लाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कि हाँ ठीक है ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो भी एक्ट या पॉलिसी हुई थी, जो भी रिजोल्यूशन हुआ था, उसमें उनमें से हम क्या चीज़ ले सकते हैं जो कि परमानेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रह जाए, वो है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम है क्या, दोनों टाइप के गवर्नमेंट है, जब आप पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बहुत टाइप का है, अकॉर्डिंग टू द नेचर, प्रकृति के अनुसार, ठीक है। यूनिटरी एक है, सुना है कभी, यूनिटरी, यूनिटरी क्या होता है, सेंटर हेड होता है, यहाँ पर स्टेट नहीं, स्टेट का कुछ रोल नहीं है, सेंटर है, एक ही गवर्नमेंट रहता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन फेडरल में क्या है, सेंटर प्लस स्टेट्स या प्रोविंसेस, इम्पोर्टेंस सभी का सेम है, इनका भी इम्पोर्टेंट है, इनका भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फेडरल सिस्टम हम तो बाद में जानेंगे कि ये क्वासी फेडरलिज्म है, क्वासी फेडरल है, ठीक है। क्वासी फेडरल क्या है, कह रहे थे यहाँ पर, ठीक है, क्वासी फेडरल है कि हमारे तो सेंटर है, स्टेट भी है, सेंटर भी है, स्टेट भी है, लेकिन सेंटर ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन एक प्योर फेडरल स्टेट में, जो भी प्योर फेडरल स्टेट होते उनका, जैसे कि अमेरिका का सिटीजनशिप, स्टेट के भी आपको लेने पड़ते हैं, दो सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप है अमेरिका में, एक सेंटर के भी एक आपके पास होता है सिटीजनशिप, तो ये कंप्लीटली फेडरल स्टेट। लेकिन इंडिया में क्या होता है, वन सिटीजनशिप या सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप होता है। जब भी हमारा कोई प्रॉब्लम होता है, इमरजेंसी लग जाता है, स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो रिजर्व कर जाते हैं, होते हैं या नहीं होते है? पता है ना, ठीक है, प्रेसिडेंस का रूल लग जाती है। तो यहाँ पर पावरफुल कौन रही,
सेंटर। तो ये क्वासी फेडरल, ये तो बाद में, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इंडिया एक फेडरल सिस्टम है, फेडरल स्कीम है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ज्यादा पावर सेंटर में डाल दिया गया है, कंसंट्रेशन सेंटर में हो गया है, तो इसीलिए हम इसको फेडरलिज्म को क्वेश्चन करते हैं। ये अलग बात है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बताते कि हम एक फेडरल स्टेट है, ठीक है। उसके बाद जुडिशियरी, हमने 1935 में हमारा जुडिशियरी लिया, इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट जुडिशियरी, ठीक है। ऑफिस ऑफ द गवर्नर भी लिया था यहाँ पर। उसके बाद पीसीएस, पीएससी, पीएससी का मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन। अब मैडम आप, मैम ने अपने यहाँ पर क्यों डाल दिया कि पीएससी लिख दिया, इसलिए कि थोड़ा बहुत मैं लिख सकूँ यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, सर्विस कमीशन यहाँ पर है वो आपके हो गया। देन उसके बाद इमरजेंसी, मैंने जो बताया कि आपको इमरजेंसी कितने टाइप का है, कौन से आर्टिकल में इमरजेंसी है, और इमरजेंसी में क्या क्या होता है। हमारे बहुत बार क्वेश्चन आया है, बैंकिंग के एग्जाम का हो, एसएससी के का हो, स्टेट के का हो, पीसीएस के का हो, सारे एग्जाम में आए हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करनी है, इमरजेंसी के प्रोविजन में लास्ट में आपको बताऊंगी, एक है इमरजेंसी के सारे डिटेल्स, मैं आपको वीडियो के एंड तक, वो शायद स्लाइड 10-12 में आ जाएंगे शायद, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इमरजेंसी में इतना इलाबोरेट नहीं करती हूँ। तो इमरजेंसी के प्रोविजन हमने वहीं से लाता है, हमारा तीन टाइप का इमरजेंसी है वो याद रखना, ठीक है, ओके। देन हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या लाया, रेड कर देती हूँ। ब्रिटिश में, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में हमको क्या मिला, पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मैंने आपको बताई थी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक होते हैं रूल के अनुसार, ठीक है, प्रेसिडेंशियल किसका है, अमेरिका की, पार्लियामेंटरी है, पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट इज द इम्पोर्टेंट, इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर्स इंपोर्टेंट है, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कौन, पीपल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या लाया हमारा, रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ होते, रूल ऑफ लॉ होते, आईन का शासन, ठीक है, या संविधानिक संसद की गवर्नमेंट जो होते हैं, सिंगल सिटीजनशिप हम यहाँ पर ले, जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो था उनका एक ही सिटीजनशिप है, एक सिटीजनशिप है, तो वो सिंगल सिटीजनशिप हो गया, ठीक है, जो कि हमारा, मैं इस देश का सिटीजन हूँ या नागरिक हूँ, तो एकक नागरिकता हो गया आपकी। कैबिनेट सिस्टम, हमारे जो कैबिनेट सिस्टम है, मंत्रिमंडल जो है वो भी हमने ब्रिटिश से लिया है, याद आ गया आपको, ठीक है। और क्या है हुआ था वहाँ पर ब्रिटिश में, पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेस का हो, बाइकैमरलिज्म का हो, वो भी सारी चीज़ ब्रिटिश में लाता है, वो इम्पोर्टेंट याद, ये सब है जो कि क्वेश्चन में आता है, इसलिए मैंने आपको जो कि ज़्यादा नहीं दिमाग में डालना है, प्रेशराइज नहीं करना है, जितना हमको पढ़ना चाहिए, एग्जाम के डिमांड के एग्जाम पूछते हैं क्या, वो चीज़ को हमको देखना है, तो हम, मैंने जो भी कंटेंट लाया है वो सारी आपके एग्जाम रिलेटेड है, ओके। देन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है आपकी, देखेंगे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, विच इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, बहुत बार क्वेश्चन में आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डाल लो, नोट कर लो कि फंडामेंटल राइट हमारे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है, हम जो बहिष्कार करते हैं प्रेसिडेंट को, या हम उसको क्या कहते हैं, महा उसका क्या है, ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आप देखना महाअभियोग में उसको कुछ प्रोसीजर होते हैं, वो हम देखेंगे जब हम प्रेसिडेंट के चैप्टर को जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इतने ही जान लो कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं, हम कहाँ से लाए, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन किसको, क्यों, आप एक बार क्वेश्चन दिमाग में लाओ कि हम क्यों वो चीज लाए, क्योंकि इन जो कंट्रीज है इन्होंने इस चीज को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो यूएसए में कौन सी गवर्नमेंट है, किस टाइप का गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट कौन है, प्रेसिडेंट है,
तो प्रेसिडेंट को इतना आसानी से हम निकल नहीं सकते गवर्नमेंट से, तो इसके लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर होगा, डिफिकल्ट प्रोसीजर होगा। तो इम्पीचमेंट हम कैसे कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, वो हमने उसका प्रोसेस लाइक कहाँ से, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। हो गई बात खत्म। जी हाँ, और क्या लाए थे हमने, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड वाइस प्रेसिडेंट। एकदम से केवल ये प्रेसिडेंट नहीं है, हम वाइस प्रेसिडेंट कहो, हाई कोर्ट जज कहो, सुप्रीम कोर्ट जज कहो, उनको भी हम कैसे, अगर उन्होंने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क की, इलीगली कुछ काम में इन्वॉल्व रही, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रही, तो उनको हम इम्पीचमेंट या बहिष्कार जो करते हैं, रिमूवल करते हैं, तो वो हो गया है हमारे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, ये तो इतना नहीं आते, नहीं आ रही है, दो क्वेश्चन आता है। हो गया इतने से, ओके फिर देखेंगे दूसरे में क्या है। इरिस कॉन्स्टिट्यूशन, इरिस में आपकी क्या है, इरिस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, और क्या है, प्रेसिडेंट की इलेक्शन मेथड, इरिस में आता है। नॉमिनेशन, जो राज्यसभा को हमारा नॉमिनेशंस होते हैं, ठीक है, मेंबर्स, तो वो हम करेंगे। और हमारा क्या रह गया, जो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को पद में कैसा निकाले, इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या है, महाअभियोग में, अभियोग में उनको डाला गया रहता है, वो है हमारा यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स है कि इम्पीचमेंट। लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन मेथड कहाँ बोला है, इरिस कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा में क्या लाइए, फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, मैंने आपको पहले से बताया, फेडरल स्टेट, क्वासी फेडरल स्टेट, फेडरल स्टेट, ठीक है, कनाडा में ये प्रोसेस या ये लक्षण, ये जो गुण है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ओके। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्करेंट लिस्ट, हमारे कितने लिस्ट है बता दो एक बार, स्टेट लिस्ट, सॉरी सेंट्रल लिस्ट, एक सेंटर में होते हैं स्टेट लिस्ट, देन कॉन्करेंट लिस्ट, ओके। पहले हमने जाना क्या, स्टेट सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट में कौन इम्पोर्टेंट है, रूल कौन बना सकते हैं, कितना है, एक होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट में बताना कौन से लिस्ट में कितना आइटम्स है या कितना यूनिट है, यूनिट के लिस्ट है क्या, पहले बताओ। लिस्ट में क्या होता है कि कुछ आइटम्स होते हैं, जैसे जैसे कि बैंकिंग हो, रेलवे हो, पोस्टल हो, ये सब क्या होता है, करेंसी हो, कोई मिलिट्री रिलेटेड चीज हो, इंटरनेशनल रिलेशन टाइप का कुछ चीज हो, तो वो आ जाता है सेंट्रल लिस्ट में, जो कि सेंट्रली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेंटर से कैन ओनली मेक रूल्स एंड लॉज अगेंस्ट दिस यूनिटी या दिस सब्जेक्ट या दिस आइटम, वो हो गया सेंट्रल लिस्ट में गई, ओके। फिर आया क्या हमारा स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में क्या हुआ, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर हुआ, एजुकेशन भी, पुलिस, ऐसे कुछ बहुत सारी है जो कि सेंट्रल स्टेट लिस्ट में है। स्टेट लिस्ट में लॉ कौन बनाते, कंसर्न स्टेट, जो भी स्टेट की अथॉरिटी है, कंसर्न स्टेट, ओके। फाइव, कंकरेंट लिस्ट, ये क्या है, एक मीडिएटर है कह सकते हैं हम, एक ब्रिज है स्टेट सेंटर में स्टेट के बीच, एक ब्रिज है, ये भी बना सकती है, ये भी बना सकती है, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में। तो यहाँ पर क्या हुआ, एजुकेशन को हमारा, सॉरी यहाँ पर अगर सेंटर सॉरी स्टेट कोई रूल बना दिया, मगर मानो स्टेट कोई रूल बना दिया, लेकिन सेंटर भी इसके ऊपर कोई रूल बना दिया, एक लिस्ट के ऊपर, कंकरेंट के सब्जेक्ट के ऊपर सेंटर भी बना दिया, किसका इंपोर्टेंस रहेगी बताओ, सेंटर की ही रहेगी, क्योंकि हमारा फेडरेशन हुई थी स्ट्रॉन्ग सेंटर है, यही तो फीचर्स है जो कि बताते हैं ये चीज, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो कंकरेंट लिस्ट है जो कि दोनों बना सकते हैं इसमें ऊपर, लेकिन जब भी कोई कंफ्लिक्ट हुआ तो सेंटर की इम्पोर्टेंस हमारा ज्यादा रह जाएगी, ओके फाइन।
देन फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि पहले से हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। कब आ गए ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, बताओ कोई? फंडामेंटल ड्यूटी जो है कब आ गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तभी आई जब भी हमारा क्या हुआ था, मैं बताऊंगी, है ये इस वीडियो में, मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पर देखें किस चीज से हम लाई थी, ये यूएसएसएसआर, यूएसएसआर, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज लाई थी हमने। राइट्स तो हमने बना दिया, राइट्स तो हमने बना दिया। राइट को हम कब मिलेगा हमको राइट, जब कोई ड्यूटी करेगा आपने। अगर राइट या ड्यूटी कैसे को इंडिपेंडेंट है, देखो पुलिस का ड्यूटी क्या है, प्रोटेक्शन करना लोगों का, संपत्ति का। मेरा राइट्स क्या है, राइट टू लाइफ, लाइफ राइट टू लाइफ है, मैं जी सकती हूँ विथ डिग्निटी एंड सिक्योरिटी। अगर कोई मुझे मारे, कोई मुझे गाली दे, पुलिस कुछ ना कहे, तो मैं कैसे जीऊँ यहाँ पर, मुझे राइट मिलेगी? नहीं। तो अगर पुलिस अपनी ड्यूटी करेंगे तो मुझे मेरा अधिकार प्राप्त होंगे, अगर उन्होंने अपने कर्तव्य नहीं करेंगे तो मुझे मेरा अधिकार ही नहीं मिलेंगे। तो दोनों ही अपने आप से को इंडिपेंडेंट या को डिपेंडेंट है, ठीक है। मैं आशा करती हूँ इतने से आपको समझ में आ गए होते जितना भी मैंने पढ़ाई अभी तक। ओके, ये हो गया हमारे जो कि इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ ड्रोन, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट चीज लाए थे, इनमें से क्वेश्चन पक्का आपको मिल जाएंगे। दिन क्या है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या हुआ हमारा, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, क्या ये वर्ड जाते हैं, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में जिन्हें कि हमारा 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल है। अभी कितना हुआ, 12, 25 पार्ट्स है, 395 आर्टिकल थे, अभी हुआ 465 आर्टिकल हुआ। तो इनमें से हमारा कुछ पार्ट है जो कि इजीली हम उनको अमेंड कर सकते हैं, इजीली उसको अमेंड कर सकते हैं, कोई ऐड कर सकते हैं, कोई हटा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पार्ट ऐसे भी है जो कि हम इजीली उसको रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। इनके लिए हमको मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी चाहिए, प्रोसीजर भी डिफिकल्ट है, ठीक है। तो हम देखेंगे, तो ब्लेन इसीलिए कहा जाता है कि ब्लेनली रिजिड है और थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी है। ओके, समझ में आ गया आपको इतनी चीज, फाइन। उसके बाद फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, ये क्या है रे भाई, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। बहुत बार मैंने इस वीडियो में आपको बता दी, एक फेडरल सिस्टम है, स्टेट है, सेंटर है, गवर्नमेंट अपनी अपनी है, लेकिन यूनियन के या सेंटर के ज्यादा दबदबा है, यहाँ पर कंट्रोल ज्यादा है, पावर वेस्टेड का सेंटर पर है ज्यादा, ठीक है, यूनियन पर ज्यादा है, इसीलिए फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। ओके फाइन, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इन्होंने क्या किया था, ले आई थी, कॉपी कर दी थी, जो कि बहुत अच्छा है। पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट अगर होती तो एक ही का ही शासन होती। तो इसमें क्या, प्रेजेंट नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। उसके बाद हमारे होते हैं मेजोरिटी पार्टी रूल, जिस पार्टी को आपकी मेजोरिटी मिल जाएंगी उसी पार्टी ये रूल करेंगे, मेजोरिटी पार्टी रूल। उसके बाद क्या, डिजोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोकसभा को हम डिजोल्यूशन कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और क्या है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव जो है हमारे यहाँ पर
वो लेजिस्लेटिव से क्या है, जो मंत्रिमंडल है वो लेजिस्लेटिव से हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी आंसरेबल रहेंगे, रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स। देन सबसे सबसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है हमारी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट में पहला क्या है, वन, कितनी आर्टिकल हमारा जो कि कौन से पार्ट में है फंडामेंटल राइट। पहले तो कौन से आर्टिकल से कौन से, 12 से 35 तक, ठीक है, इतने आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के। पार्ट 3 में है ऐसे लिखते हो, या पार्ट थर्ड में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, हो गया हमारा 6 आर्टिकल फंडामेंटल राइट। पहले तो था 7, प्रॉपर्टी राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन उनको ने हमने हटा दिया, एक इलीगल राइट बना दिया, मैं उसके बाद बताऊंगी आपको सारी डिटेल्स। तो अभी हमारे पास है 6 फंडामेंटल राइट्स, और फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल, एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, सॉरी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, मैंने यहाँ पर राइट लिख दिया, रिमेडीज, ओके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज। इसको हम इलाबोरेट करें, क्योंकि बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि फंडामेंटल राइट में राइट कौन सी है, आर्टिकल क्या है, वो पूछ लेते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको इलाबोरेट कर रहे हैं। अगर फंडामेंटल राइट को हम इलाबोरेट करें तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसीलिए थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर कह देती हूँ, अलग से फंडामेंटल राइट के ऊपर वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको डिटेल्स बताऊंगी। 14 से 18 तक, 14 से 18 तक आर्टिकल, ये आर्टिकल है, ठीक है, ये आर्टिकल है हमारा, क्या है, राइट टू इक्वालिटी है। उसके बाद 9 कंटिन्यू चलेगी, राइट टू फ्रीडम, उसमें क्या है, 19 से 22 आर्टिकल तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 दो आर्टिकल। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक के अधिकार जो है, धर्म के अधिकार जो है, 25 से 28 तक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट तो वो 29 और 30 है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, यहाँ पर राइट है, आप यहाँ पर रिमेडीज लिख देना 32 आर्टिकल में। ये है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि सोल क्या है फंडामेंटल राइट के, ठीक है, देख लेना एक बार। हो गया आपके फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट 14 में क्या है, 15 16 17 18 19 20 21 22, जितना भी आर्टिकल है हम डिटेल्स में इसको डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कौन से पार्ट में है ये, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिटी कौन सी पार्ट में है, पता है आपको, आई भी, आई भी या फोर्थ पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, डीपीएसपी। डीपीएस में है क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये है नोवेल फीचर, डॉक्टर आम्बेडकर ने बताई थी कि ये एक नोवेल फीचर है, क्योंकि ये गांधियन आइडिया धारण करती है, लिबरल आइडिया धारण करती है, मार्क्सियन आइडिया भी धारण करती है, ये सारे सोशल आइडिया भी कुछ होते हैं यहाँ पर, तो सारे कुछ आइडियोलॉजी, अच्छे आइडियोलॉजी को इन्होंने अपने अंदर धारण किया है। तो डीपीएस में मैं जो सारे डिटेल्स है वो भी हम आलोचना करेंगे, ठीक है, ओके। सोशलिस्टिक, गांधियन, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल, कितने आइडियाज, आइडियोलॉजी को लेकर ये बना है, सोशलिस्टिक है, सोशलिस्टिक है, एक गांधियन बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधियन आइडियोलॉजी। जैसे कि हमने डोमेस्टिक एनिमल को कैसे पालन करें, खादी का प्रमोट कैसे करें, ग्राम स्वराज को कैसे प्रमोट करें, ये सारी गांधियन आइडियोलॉजी थी जो उन्हें हमने देखा है, गांधी सपोर्ट कर रही थी। तो ऐसे ही सारी चीज सोशलिस्ट में क्या, सारे कम्युनिटी मेंबर्स को एक दूसरे से पढ़ेंगे वो सारे डीपीएसपी को, ठीक है, घबराओ मत, ओके। वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, अगर हम कहें एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए डीपीएसपी बहुत जरूरत है, ओके, फाइन। देन उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होते हैं,
ये तो पहले हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया 42nd अमेंडमेंट क्यों, क्योंकि 19 कितने कौन सी ईयर 76 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान हमारा स्वर्ण सिंह कमेटी, बहुत बार क्वेश्चन में आया है स्वर्ण सिंह कमेटी, इसको लिख लो नोट पर, स्वर्ण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कौन से आर्टिकल में है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज? 51A। पहले ये ओरिजिनल, जब भी 42nd अमेंडमेंट के बाद जो ओरिजिनल हुआ, कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे? 10 थे, 10। ओके, देर इज ओनली 10, देर वाज ओनली 10। लेकिन 82, 86 में फिर उसको अमेंडमेंट किया, उस आर्टिकल को अमेंडमेंट किया और एक डाउरी, तो कितना हो गया 11। ठीक है, तो ये पार्ट आई भी ए, पार्ट आई भी ए में है, वो पार्ट आई भी हमें, वो ये पार्ट आई भी ए में है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होते हैं? जैसे कि हम रेस्पेक्ट करना है नेशनल फ्लैग को, एंथम को, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है, ड्यूटीज करना है, वो सारे एक जो 11 है हम वो उसको भी देख लेंगे। ठीक है, ओके, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया आपकी। ये सिकुलर स्टेट, सिकुलर स्टेट के क्या है, 42nd अमेंडमेंट भी जो सिकुलर वर्ड है वो हमारा किस में आउट हुआ था? प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में 1976 में ऐड हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। इंडिया इज ए सिकुलर स्टेट, देर इज नो स्टेट रिलीजियन। अभी भी बहुत बार भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज ए सिकुलर स्टेट, देर इज नो स्टेट रिलीजन। स्टेट कोई भी रिलीजन को, एक ही रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है, लेकिन हाँ ये लिबरल है रिलीजन के मामले में, रिलीजन के मामले में ये लिबरल है। आप कोई भी रिलीजन कंसिस्ट कर सकती हो, कोई भी रिलीजन को प्रोपागेट कर सकते हो, स्टेट के इसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, इन्होंने डाल दिया आर्टिकल जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो हमारा है, उसमें आपका एक सेकुलर स्टेट का जो कि फीचर्स है वो भी बता दिया गया। ओके, होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स। ओके, उसके बाद यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है क्या, जो कि वोटिंग राइट ऑफ, उन्होंने बता दिया वोटिंग राइट, पहले तो नहीं था वोटिंग राइट इंडिया के लोगों का, सिटीजनशिप का, फिर बनाया गया है वोटिंग राइट। कब बनाया गया है? हमारा 18 था वोटिंग राइट, कब? 1989 में 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर, जिसको 1988 कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 98 कहते थे, 21 से हमने बना दिया 18 को, इसको कम कर दिया। 1989 में 21 था हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, उनको हमने 18 साल कर दिया। अभी हम कितने साल से वोटिंग कर सकती है? 18 साल से, हाँ या ना? ओके, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, ये एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इम्पोर्टेंट फीचर है, गुण है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, उसके बाद क्या है? सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप क्या है आपके? पहले तो बता दी, एक ही सेंटर है उसका सिर्फ आपको सिटीजनशिप चाहिए, होते हैं मैंडेटोरी, कोई स्टेट का सिटीजनशिप नहीं। जैसे कि मैं ओडिशा की हूँ, ठीक है, ओडिशा की मेरा कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, जैसे कि मैं उड़ीसा की हूँ, ठीक है, ऐसा कोई वोटर आईडी है मेरे पास, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दौरान दिया गया, नहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ उड़ीसा ने उसको इशू किया। ठीक है, मैं ओडिशा की हूँ इसीलिए मेरे पास कोई ओडिशा की सिटीजनशिप का कार्ड नहीं है, लेकिन मेरे पास कार्ड है किसका? इंडिया की। आप आंध्र प्रदेश के हो, आपके पास भी इंडिया की कार्ड है। आप तमिलनाडु के हो, आपके पास भी इंडियन की कार्ड है। आप जम्मू एंड कश्मीर को हो, आपके पास भी इंडियन की कार्ड है। आप गोवा की हो, आपके पास है। आप कोई भी यूनियन टेरिटरी हो जो कि इंडिया के कैपिटल में आता है, वो आपके पास भी इंडियन की होती है, यूनियन टेरिटरी हो या फिर स्टेट हो। ठीक है, इसके बाद क्या है? होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग। आपको समझ में आ रही है या कोई भी दिक्कत हो रही है या वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताना कमेंट में, मैं उसको ठीक करने के लिए कोशिश करूंगी। ओके, तो
इंडिपेंडेंट बॉडी, ये बहुत भी इम्पोर्टेंट है। ये जो वीडियो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगी इसको, एक बार पढ़ा लूँ, तो नहीं निकल जाते हैं बहुत सारे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। क्यों इंडिपेंडेंट है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG जो है, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस, स्टेट PCS जैसे कि बिहार के BPSC बिहार स्टेट पब्लिक पब्लिक सर्विस कमीशन, ओडिशा के यूनियन पर ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड के झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि स्टेट है उनके हिसाब से उनका नामकरण हुआ है। इनको हमने क्यों इंडिपेंडेंट बनाया? क्यों? अगर इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल रही तो या इन्होंने अपने काम इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, फियरलेसली नहीं कर सकते, बात हो सकती। इलेक्शन बनाने गवर्नमेंट है, जैसे कि अभी BJP गवर्नमेंट है, अगर इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं होती जो कि गवर्नमेंट इनको कंट्रोल कर रही होती, तो ये BJP गवर्नमेंट हो या कांग्रेस हो, कोई भी जो भी रूलिंग पार्टी हो, इन्होंने इसको कंट्रोल करने लगते हैं। तो इसीलिए कोई पार्टी के द्वारा ये कंट्रोल ना हो, ये इंडिपेंडेंटली अपना काम बहुत आराम से करें, कोई भी फियरलेसली, इसीलिए इलेक्शन कमीशन को हमारा इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया है, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कि सरकार की या देश की जो भी खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना आया, वो सारी चीज़ को ऑडिट करते हैं, वो भी इंडिपेंडेंटली करे, वरना सरकार की जो भी दोष है वो सारी चीज छुप जाएंगे, ओके। यूनियन पब्लिक कमीशन बहुत सारी रिक्रूटमेंट करते हैं अच्छे से, अगर गवर्नमेंट कहे कि मेरा बच्चे के ले लो या हमारे लोगों को सिर्फ रख लो, ये हो नहीं सकता। इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन एक क्या होता है, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, तो आप सिविल सर्वेंट क्या करते हैं, पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट ना हो तो भी दबदबा रहेगी, कंट्रोल रहेगी, ठीक है। इसीलिए ये जो इलेक्शन कमीशन आते हैं कि इंडिपेंडेंट बॉडी दे देते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऐसे आते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन हम देखेंगे जब भी हम MCQs करेंगे सीरीज, इसीलिए आप एक बार ध्यान में रखो, इसको याद कर लो, रट लो, इस चीज को ध्यान में रख लो, समझ लो एक बार, उसके बाद रट लो। इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल CAG, UPSC और स्टेट टीचर, ये चार हमारे इंडिपेंडेंट बॉडी हो गए, ओके फाइन। ओके, इमरजेंसी प्रोविजन देखेंगे हम, इमरजेंसी प्रोविजन, ये आप लोग थक गए, ओके। इमरजेंसी प्रोविजन में ये तो सेकंड और एक है, उसके बाद हमारा खत्म हो जाएंगे। नेशनल इमरजेंसी प्रोविजन, मैंने आपको बताया था तीन इमरजेंसी प्रोविजन है, नेशनल, स्टेट, फिनेंशियल, ओके। तीन ही है नेशनल इमरजेंसी, जो कि 352 आर्टिकल, ये जो नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे वो सारी आर्टिकल कंसिडर करना, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी में क्या होता है, 356 आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 356। फिनेंशियल इमरजेंसी कितना है, या हमारी आर्थिक स्तर के जो इमरजेंसी लगते हैं वो 360। बहुत बार बहुत क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, कौन से आर्टिकल कौन से इमरजेंसी के हिसाब कंटेंट्स करते हैं, ठीक है। इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी कर लेते हैं, कोई स्टेट, दोनों एक तरफ स्टेट है एक तरफ सेंटर है, अगर झगड़ा हो गया उनके बीच, नेशनल इमरजेंसी, चार स्टेट यहाँ पर है, दो स्टेट यहाँ पर है, नेशनल इमरजेंसी। स्टेट के भीतर अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्टेट इमरजेंसी लग सकती है, स्टेट का डिस्टर्बेंस आपने। फिनेंशियल इमरजेंसी, कोई फिनेंशियल क्राइसिस हो गया इंडिया में, अभी तक बहुत बार स्टेट इमरजेंसी बहुत स्टेट में लगी है, नेशनल इमरजेंसी बहुत बार लगी है, लेकिन कभी भी फिनेंशियल इमरजेंसी हमारा नहीं लगा है इंडिया में, कभी भी नहीं। अच्छी बात है, हमारा इकोनॉमिक अच्छा है, ग्रोइंग है, ओके। सो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग। हम पढ़ेंगे कि कौन सी क्राइटेरिया क्या है उसका, हम बाद में जब भी उनको डिटेल में देखेंगे पढ़ेंगे, अब वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगे, ओके। थ्री टायर गवर्नमेंट, ये है आपकी बहुत इम्पोर्टेंट, थ्री टायर सेंटर में होता है गवर्नमेंट, स्टेट में गवर्नमेंट होता है, लोकल। पहला तो हमारा ये दो था, सेंटर एंड स्टेट, पहला हमारा नहीं था लोकल गवर्नमेंट। कब हुआ लोकल गवर्नमेंट, ये पूछ सकती है, लोकल गवर्नमेंट कब हुआ आपके, कब हुआ? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1992 में, वो पार्ट IX में आपकी, ठीक है, जोड़ दिया गया है, शेड्यूल 1। अगर आपको पूछते कौन से शेड्यूल में हमारा लोकल गवर्नमेंट है, शेड्यूल सॉरी 11, शेड्यूल 11 में है।
हमारा जो पंचायत राज सिस्टम पीआरआई पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को इंट्रोडक्शन किया है लोकल में 73rd अमेंडमेंट 1992 ये क्वेश्चन में आते हैं बहुत बार, याद रखना इसको। ओके, सेंटर में हो गया, स्टेट में हो गया, लोकल में हो गया। होप ये जो सारी चीज हमने देखे ये है आपकी क्या, ये सारी चीज हो गई आपकी इम्पोर्टेंट। किस लिए? सब कोई भी एग्जाम दे रही हो, कोई भी एग्जाम इम्पोर्टेंट है। और एक बात याद रखना, जितने भी हमने फीचर्स आज देखे वो एक एक चैप्टर है। फंडामेंटल राइट्स तो आपको 2-3 दिन लग जाएंगे याद करने के लिए, समझने के लिए, उसको ग्राफ करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम एक वीडियो में कोशिश करेंगे फंडामेंटल राइट्स को ले आए, DPSP को ले आए, फंडामेंटल ड्यूटीज को लाए, इमरजेंसी प्रोविजन को लाए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाए। MCQs के दौरान हम सारी चीज एक बार थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद MCQs का सीरीज ले, एक बार थ्योरी 50% कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं MCQs का सीरीज ले आऊंगी। होप आप इस वीडियो को एंजॉय किया। अगर आप इस वीडियो को एंजॉय किया, अगर आपको लगे कि कंटेंट ठीक है, सही है, आप मैंने आपको जो पढ़ा है आप समझ में आए, तो लाइक बटन को दबाना, ठीक है, लाइक करना थोड़ा बहुत, और क्या करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी वीडियो को करना, उस चैनल को करना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट फ्रेंड्स।